नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक से आप लोग क्या क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है कोरोना के मामले में, इसलिए घर से ना निकले तो ही बेहतर है। 2,86,000 पार कर चुका है, 3 लाख के करीब आपके यहाँ पहुंच चुके हैं, और आपने देखा होगा कि आपके देश में जितना सख्ती से लॉकडाउन लगा था, फिर भी केसों की बढ़ती जा संख्या सब तरह से फैल कर दिया लॉकडाउन को। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, और सबसे पहले तो सबक की बात करें तो इससे सबसे अच्छा सबक मिलता है आपको कोरोना से कि दूसरे पर डिपेंड कभी मत रहिएगा, फिर चाहे आपका कोई प्रधानमंत्री आए, फिर चाहे कोई प्रधानमंत्री रहे। जिस तरह से 150-200 मजदूरों की मौत हुई, तो इसकी जगह कोई भी हो प्रधानमंत्री, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए घर में बैठिए चुपचाप, अपने परिवार की सेफ्टी रखिए और अपनी सेफ्टी रखिए, क्योंकि सबको देख लिया आपने, नरेंद्र मोदी साहब को देख लिया, राहुल गांधी साहब को देख लिया, कोई रोड पर आपको दर्शन नहीं दिए। गरीब मरा आखिर गरीबी है, कोई भी समस्या हो, फिर चाहे मानवीय समस्या हो, प्राकृतिक समस्या हो, आखिर झेलनी पड़ती है आप ही लोगों को। ठीक है, तो अपना भक्ति छोड़िए, और जो अंधभक्ति छाई हुई है किसी भी पार्टी की, मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को नहीं ले रहा हूं, कोई भी पार्टी हो एक्स वाई जेड, आपको अपना अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी खुद रखनी है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि आपको खुद सेफ्टी रखनी है, और आपके देश में हालत बिगड़ती जा रही है, हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़े, क्योंकि 4-5 बार लग चुका है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर अच्छे से पालन होता तो शायद हमारी स्थिति सुधर सकती थी। तो देखिए कोरोना के इस संकट काल से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे 10 जरूरी सीख, जिनमें 11वीं मैंने बताई आपको कि किसी पर जिंदगी में डिपेंड मत रहिएगा, खुद अगर ताकतवर हैं तो आप ही आपको ताकतवरों का साथ मिलेगा, अगर ताकतवर आप नहीं हैं खुद कोई साथ नहीं देने आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कोरोना संकट से लड़ने में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इससे हमें क्या सबक लेनी चाहिए। ये इसके जो संपादक हैं गुरुचरण दास, स्तंभकार एवं लेखक हैं। चीनी जब क्राइसिस संकट शब्द लिखते हैं तो वे दो ब्रश स्ट्रोक्स इस्तेमाल करते हैं, एक का मतलब होता है डर और दूसरा का मतलब होता है अवसर। कुछ देश डर से भर जाते हैं और कुछ खुद को बेहतर बनाने के रास्ते तलाशते हैं। कोरोना ने हमारे देश की क्षमता की परीक्षा ली, इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, हमने अब क्या सीखा है। आप लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से हमारे नेता फेंका करते थे बातें कि हम जनता को 2 साल तक खिला सकते हैं खाना बैठा के, समझ रहे हैं, हम जनता के लिए जान दे सकते हैं, हम जनता के लिए ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इस समस्या में आपने देख लिया कि धरी की धरी सबकी बात में रह गई, कोई मौत की मुंह में नहीं जाना चाहता है, कोई घर से बाहर नहीं निकला है, आपने खुद देखा है। तो अभी भी सीख जाइए ना, तो आप किसी की भक्ति करिए ना अपने आस पड़ोसियों से बिगाड़िए किसी भी पार्टी के चक्कर में, क्योंकि आपने देखा है आस पड़ोस के ही लोग आपके काम आ रहे हैं। अभी कोई आपका ना तो प्रधानमंत्री आपके पास आ रहा है, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना कोई भी नेता हो, अभी आपका पड़ोसी ही आपकी मदद करेगा अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है, तो इसलिए पड़ोसियों से कभी मत बिगाड़िए, मैं हमेशा से बोलता आया हूं। तो सबसे पहला सबक क्या मिला है इससे कोरोना वायरस से, सरकार की शक्ति का हथौड़ा लोगों के जीवन पर सावधानी पूर्वक पूर्ण विनम्रता से पड़ना चाहिए। भारत का लॉकडाउन दुनिया में सबसे सख्त था और शायद सबसे दुखदायी। आप समझ सकते हैं कि भारत का जो लॉकडाउन स्थिति थी भारत में वो दुनिया में सबसे सख्त थी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अगर आप सोचिए कि अच्छे से पालन हो जाता, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, वरना इतना सख्ती से अगर पालन लागू हुआ जो, तो हमारे यहाँ से केस अभी तक खत्म हो जाना चाहिए थे, एक भी केस नहीं रहना चाहिए था। समझ रहे हैं आप लोग कि किसी को
घर से नहीं निकलने दिया गया। एक आघात में लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। रोज दिहाड़ी कमाने वालों के लिए इसका मतलब गरीबी और भुखमरी तक था। रोज दिहाड़ी का मतलब है वही रिक्शा वाले, जैसे रिक्शा वाले डेली कमाते थे और डेली खर्च करते थे, इस तरह के जो भी लोग हुआ करते थे वो डेली कमाते थे, उन पर क्या गुजरी है वो तो वही जान सकते हैं। हम तुम एसी पंखा कूलरों में बैठकर उनके बारे में नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए कुछ ज्यादा किसी की मजबूरी पर कुछ मत बकिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कई लोग बोल रहे हैं कि उन्हें घर से मरने की जरूरत, बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ती है। कई लोग तो वो ट्रेन के लोग नीचे जो लोग आए उनके बारे में अपशब्द बोल रहे थे। तो भगवान से डरिए और अपना काम करिएगा, वो शायद समय से पहले चले गए, लेकिन हो सकता है तुम्हारी स्थिति उससे बुरी हो। घर में एसी या पंखा कूलर में बैठकर भाषण देना बड़ा आराम की जिंदगी होती है, क्या फर्क पड़ रहा है, दो ही शब्द तो टाइप करना है। इसलिए समझदारी से दिखाया करिए और थोड़ा अच्छे से लिखा करिएगा। कभी अपने आप को समझदारी उनकी जगह अपने आप को रखा करिएगा, उनके परिवार की जगह अपने आप को रखा करिएगा। वो माँ जो रोड पर बच्चे को जन्म दे रही है उसकी जगह अपने आप अपने परिवार के मेंबर को रखा करिएगा, तब समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा कि क्या होता है लॉकडाउन, क्या होती है गरीबी। ठीक है, समझदारी से लक्ष्य तय कर किया गया। लॉकडाउन शायद भी 1 अरब लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ संक्रमित लोगों की रक्षा कर पाता। प्रवासियों को घर जाने का समय देने पर इतने दर से बच सकते थे। मैं हमेशा इस बारे में बोलता आया हूं शुरू से ही, जिस दिन से लॉकडाउन, कि अगर लॉकडाउन ना लगाने से, उससे पहले अगर मजदूरों को घर भेज दिया जाता, हर व्यक्ति को घर भेज दिया जाता, उसके बाद अगर आप लोग 6 महीने तक अगर लॉकडाउन लगा सकते थे तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर आप शहर में रह रहे हैं तो 10,000 रुपया और घर आप 500 रुपये में खर्च चला सकते हैं। ठीक है, और कितने कितनी मदद की है, कितनी सरकार ने मदद की है, वो आप लोग हकीकत समझ रहे हैं। ठीक है, किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिला है कि खर्च चल सके, 500-1000 रुपये में कुछ नहीं उखड़ता है, समझ रहे हैं आप लोग। 5 दिन की सब्जी का काम नहीं चलता है परिवार का, 120 रुपये किलो दाल, आप समझिए कितना 500 रुपये में 1000 रुपये में मदद हो गई होगी। जो सरकार ने ऐलान किया है उसका, हाँ मैं मानता हूँ कि आगे फायदा होगा योजनाओं के द्वारा, लेकिन अभी हाल में आपको जरूरत थी गरीबों को। ठीक है, तो अगर प्रवासियों को घर भेज देते ने तो उसके बाद 6 महीने के या साल भर तक आप लोग बढ़ा सकते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। सबसे बड़ी तो बात यह है कि 200 व्यक्ति वो जान तो ना जाती उनकी, सबसे दर्द भरी तो कहानी उनकी है कि किस तरह से लोग पैदल चल रहे हैं, किस तरह से बच्चे चल रहे हैं, किस तरह से माँ बहन बेटियां, देखा है ना आपने जान पर खेलते हुए, जिस तरह से बकरी भर दी जाती हैं उसमें ट्रकों में, इसी तरह से लोग भर के आ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग तमाशा देख रहे हैं। आज हम लोग, पता है आपको, जो हम लोग नेहरू को गाली दे रहे हैं, गांधी को गाली दे रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा इतिहास में कि हम लोगों को गाली देंगे हमारे आने वाली पीढ़ी। ठीक है, क्योंकि हम मुर्दा बनकर बस तमाशा देख रहे थे, किसी ने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखी हुई। ठीक है, ये अलग बात है कि वो आज चले गए, तुम कल जाओगे, हम परसों जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि वो ट्रेन आने से 2-4 मिनट दर्द हुआ होगा हमें और तुरंत शांत हो गए। हो सकता है कि हम सड़ सड़ के मरे, हमें तो पानी देने वाला भी ना रहे अगर हमारे कर्म खराब रहे। तो इसलिए भगवान से डरा करिएगा, क्योंकि भगवान अभी भी थोड़े तो भरोसा है कि नहीं है कि खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका ना 1 हफ्ते और बांग्लादेश ने 4 दिन का नोटिस दिया। महामारी शायद बहुत कठोर शब्द था जिससे प्रवासी इतना डर गया कि वह बस मरने के लिए घर जाना चाहता था। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री साहब ने और हमारी सरकार ने 4 घंटे का समय दिया और बोल दिया कि लॉकडाउन, किसी को संभलने का भी थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। एक लड़की दिल्ली के पास से चलती है 1200 किलोमीटर अपने पिता को पीछे बैठा कर साइकिल से ले जाती है बीमार पिता को। वो बिहार तक पहुंचती है, तब तक किसी की बीच रास्ते में किसी की कोई मतलब नेता नहीं जाता है, कोई अधिकारी नहीं जाता है। जब वो बिहार पहुंच जाती है उसके बाद
वोट बैंक के लिए हर कोई सामने आ जाता है। मुझे लगता है भगवान से नहीं डरते हैं का कि मतलब एक लड़की घर पहुंच जाती, उसके बाद तुम अपनी राजनीति की रोटी सेंकने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं आपसे कि सबसे पहले तो दूसरे पर डिपेंड यानी कि दूसरे पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हमारे देश की। कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हम गरीब स्थिति हमारी थी। और हम फिर एक बात आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, ब्राजील, जापान, सिंगापुर, इन देशों से मतलब बराबरी करो ना। पाकिस्तान से करने लगते हैं आप, बांग्लादेश से करने लगते हैं। पता है सब सबने डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं सबके खाते में, फिर चाहे यूएसए हो, इटली हो, कोई भी देश हो आपका, ठीक है। कोई तो 6-6 महीने के लिए एडवांस दे रहा है पैसा। तो हमारी स्थिति उनसे खराब है, ये बात आप लोग समझ में कभी नहीं आएगी ना। अगर हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था घटती है तो लोग तमाशा देखते हैं, बस बोलते नहीं है। वहां अगर घटती है अर्थव्यवस्था तो लोगों की आवाज उठती है। और अभी कल ही परसों मैंने NCERT में आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ वो गरीब हैं जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, USA में वो गरीब हैं जिनके पास कार खरीदने के लिए, यानी कि 50 लाख की अगर कार नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो गरीब कहलाते हैं। तो हम में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और कोरोना की वजह से पूरा USA हल चुका है, तबाही मचा दी है। तो हमारी तो कोई औकात नहीं लगती है, अभी देखते जाइए कहाँ गया आप। इसीलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया है, अब वो अर्थव्यवस्था पर जोर देने लगी है। दिनों दिनों आप देख रहे हैं, आज 12,000 के करीब केस बढ़े, कल 10,000 थे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का सबसे बड़ा ख्याल रखिए। संक्रमित 1-3% लोगों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग आदि का निवेश ज्यादा होता तो शायद अभी सभी आर्थिक गतिविधियां रोकने से बेहतर होता। पीछे मुड़कर देखते हुए यह कहना आसान है, और युद्ध के धुंध में कम प्रतिक्रिया देना उतना ही बुरा है जितना अति प्रतिक्रिया। और अब तो आर्टिकल आज ही कल की बात है, मैंने पढ़ा है कि वो राज्यों ने टेस्टिंग भी घटा दी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमें अगर हम अपनी टेस्ट ना करवाएं शरीर का, यानी कि हम अपनी जांच ना करवाएं शरीर की, तो मैं सोच सकता हूं कि मुझ में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम जब तभी बीमारी का पता तो तभी चलेगा ना जब हम टेस्टिंग करवाएंगे, अपने शरीर का एक्सरे करवाएंगे, तभी मालूम चलेगा ना, स्कैनिंग करवाएंगे। तो उन्होंने टेस्टिंग घटा दी है राज्यों ने, तो स्थिति और भी बिगड़ने की संभावना है। नेता को महाभारत में विदुर के शब्द याद होने चाहिए। उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि कोई नुकसान ना पहुंचाना राजधर्म का पहला सिद्धांत है। दूसरा सबक लोकप्रिय और तर्कसंगत है के बीच सामंजस्य बैठाने की मुश्किल है। विपक्ष के नेताओं और टिप्पणीकारों को GDP का 1% देने की दौड़ में भागते देखना अजीब था। भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की उम्मीद करना गैर जिम्मेदाराना है। हाँ, सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज में कंजूसी दिखाई है, उसे जनधन खातों में ज्यादा पैसा भेजना था। इसमें हर अर्थशास्त्री, आपके कोई भी बड़े अर्थशास्त्री हों, उनके मुंह से आप लोग सुनिए उनके इंटरव्यू। हम लोग उनसे ज्यादा नहीं जानते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग उनके जैसा नहीं है, उनके जैसा ना समझ सकते हम लोग, ठीक है। हमारे यहाँ की सरकार, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के नेता चलाते हैं। और आप दूसरे देशों की सरकारों को देखिए, वहाँ के अर्थशास्त्री की पूरी सलाह ली जाती है कि देश को किस नजरिए में, यानी किस दिशा में मोड़ना है। तो अभी आपको डायरेक्ट पैसे की जरूरत थी, और डायरेक्ट पैसे से क्या होता कि ये मांग उत्पन्न होती, और मांग उत्पन्न होती तो उत्पादन होता तो बाजार भरता तो आपको फायदा होता, समझ सकते हैं। अब आप उत्पादन करिए, कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग। तीसरा सबक आप किससे क्या सीख सकते हैं कि भारत में कमजोर सरकारी क्षमता की समस्या से जुड़ा है। तीसरा सबक जो इस संकट के समय में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं से और स्पष्ट हो गया, हमारी प्राथमिकता सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर खर्च करनी होनी चाहिए। भारत की भौतिक अधोसंरचना कमजोर है,
जिस वजह से भारत वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने और ज्यादा उत्पादक नौकरियां पैदा करने में असफल रहा है। कोरोना संकट एक दिन खत्म हो जाएगा, हमें नौकरियां पैदा करने की प्राथमिकता का चौथा सबक नहीं भूलना चाहिए। जो आर्थिक गतिविधि के लिए ज्यादा निवेश करने की बात करते हैं, वे हमारी राजकोषीय स्थिति की असुरक्षा भूल जाते हैं। मैं ज्यादा स्थायी नौकरी पैदा करने के विकल्प का समर्थन करूंगा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि हमारी जीडीपी की खस्ता हालत तो कोरोना वायरस के आने से पहले ही हो चुकी थी। नौकरियां उसी टाइम खत्म होती जा रही थी, नौकरियां वैसे थी ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। और जितनी कसर थी उतनी आपकी कोरोना वायरस ने कर दी पूरी। तो यहां मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ी कड़वी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आप थोड़ा राजनेताओं के भक्त होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग क्या लिखोगे, लेकिन जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूं। आप ही सोचिए कि नेता, ठीक है हमारे प्रधानमंत्री साहब गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें जाना चाहिए था यानी गरीबों के। आप सोचिए अगर श्री राम इस जगह होते इस टाइम पर, तो क्या घर में बैठकर तमाशा देखते? कभी नहीं। समझ में आए? हमारे देश में एक आदमी ने, सोनू सूद ने, इतना अच्छा काम किया हुआ। 1500 से 1000-2000, मुझे लगता है और ज्यादा उस समय, मैंने अभी करंट रिपोर्ट नहीं देखी उसकी, तो 2-3 हजार लोगों को उसने घर भेजा है। आप समझिए कि आपकी यूपी में कितने विधायक हैं? 403। कितने लोकसभा सदस्य हैं? 80। प्लस आपके कितने हैं राज्यसभा सदस्य? 31। ये अगर एक इंसान 10-15 लोगों का, अगर 10-15 लोगों की जिम्मेदारी लेता मजदूरों की, तो यूपी का कोई भी मजदूर भटकता ना, प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे नेता घर में बैठकर रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, बाहर आपकी जनता त्राही त्राही मान रही थी। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके मुस्लिम मरे या फिर हिंदू, मरा तो इंसान ही है कि नहीं मरा है। फिर उसमें राजनीति भी खेली जाने लगी, फिर मुस्लिम को लेकर हिंदू को लेकर। निकलिए अंधभक्ति से, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइएगा। नेता तो हमेशा यही सोचते हैं कि तुम्हारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी वो भक्ति कर सकेंगे। आज तुम कर रहे हैं, कांग्रेस इतने दिन क्यों टिकी रही? सबसे बड़ी यही बात है कि उसमें भक्त रहे, हमारे बाप दादा भक्त करते रहे, फिर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे बच्चे भी भक्तगिरी करते रहेंगे, तो इस तरह से उनकी रोटियां सिकते रहेंगी, जनता मरती रहेगी। समझ सकते हैं? तो कोई भी बीजेपी हो या फिर किसी भी पार्टी की हो, मैं दिल्ली की जनता को सही मानता हूं, पढ़ा लिखा मानता हूं, क्योंकि उसने काम के बल पर वोट तो दिया, फ्री में मिला। फ्री में कौन नहीं लेता है, हम सब ले ही तो रहे हैं। जहां मिलता है फ्री की सिम नहीं छोड़ी हमने, जैसे जियो ने निकाली हम लाइन में थस थस के लिए। तो ये मत कह करिएगा कि फ्री का होने की आदत हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब ले रहे हैं। अगर फ्री का सबको मिले तो सब कोई नहीं छोड़ता है। आगे चलते हम लोग, पांचवा सबक एक उम्मीद। भारत सही तरीकों से काम करे तो आईटी, फार्मा और ऑटो के बाद हेल्थ केयर वृद्धि वाला और बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला क्षेत्र बन सकता है। सरकार को हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन क्रांति तभी आएगी जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें भारी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, सरकारी जो आपके अस्पताल हैं उनकी खस्ता हालत आप लोग जानते हैं, और आप शायद वहां गए होंगे तो आप बेहतर समझते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो इनमें प्राइवेट सेक्टरों को निवेश करने की आवश्यकता है। छठा सबक आपका है, राज्यों के पास सीमाएं बंद करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। संघवाद और विकेंद्रीकरण के अच्छे हैं, लेकिन तब नहीं अगर ये भारत की एकता कमजोर करें। कोविड का सातवां नतीजा आदेश प्रवासी मजदूर की खोज है। भारत में पिछले 2 दशकों में इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा है, क्योंकि दो सुधारों में बहुत नौकरियां पैदा की थी।
लेकिन जब महामारी आई तो लाखों घर वापस जाना चाहती थी, कोई भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सबक यह है कि 1979 में कि प्रवासी अधिनियम को सुधारा जाए। आठवां सबक ये है आपका कि प्रवासी मजदूरों को परेशानी से भारत के लेबर मार्केट का अनैतिक दोगलापन सामने आया है। भारत का कानून नौकरियां बचाता है, कमजोर को नहीं। नियोजक स्थायी कामगारों को नियुक्त करने में हिचकिचाते हैं और 80% कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में झोंक दिए जाते हैं। नौवां सबक आपका क्या है? शब्दों के चयन को लेकर सावधानी। आत्मनिर्भर कोरोना विमर्श में आया निराशाजनक शब्द है। इसका मतलब है कि खुद पर निर्भर होना जो कि अच्छा है, खुद के लिए पर्याप्त होना जो कि बुरा है। प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल दोनों अर्थों में किया। जब तक कि वे स्वदेशी संरक्षणवाद को पलटने से इनकार नहीं कर देते, तब तक दुर्भाग्य से वे भारत के निर्यात की संभावना को खत्म कर देंगे, जिसमें $5 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा। चूंकि भारत केवल संकट के समय सुधार करता है, ऐसे में दसवां सबक है आपके लिए, इस अवसर को बर्बाद ना करना। प्रधानमंत्री मोदी श्रम, जमीन, लिक्विडिटी और कानून में मौलिक बदलाव की उम्मीद दी। अगर वे सच में लंबित सुधार करते तो देश को प्रतिस्पर्धात्मक निवेश के लायक भारी संख्या में उत्पादक नौकरी देने वाला बना देंगे। वे अच्छे दिन ले आएंगे और साबित कर देंगे कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान क्षमता दिखाई और एक मजबूत देश बनकर उभरा। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखा करिएगा, जो हकीकत हुआ करेगा उसे सुनना पसंद किया करेगा। मैं देख रहा था कई लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं चीनी सामान की। मेरे भाई, हमसे पहले पहले अमेरिका ने इस तरह के कदम उठा लिए हैं, जापान ने कदम उठाए, हर देश कदम उठा चुका है एक दूसरे के खिलाफ बहिष्कार के। लेकिन आज तक इतिहास रहा है कि किसी भी के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं हुआ है। तुम्हारा पड़ोसी ठीक है, तुम बहिष्कार करोगे, तुम्हारा पड़ोसी 2 फोन और खरीदेगा, उसे भी आग में जलवा दीजिए उस फोन को। आज जो भी फोन आप चला रहे हैं उसमें एक सामान चाइना का लगा रहता है। समझ में आया? नहीं आया ना? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, वरना जिंदा मुर्दा बन के रह रहे हैं, वो मुर्दा बन के आपके बच्चे भी बने रहेंगे। जीने का मतलब ये नहीं है कि 70 साल 200 साल जीते रहे, जीने का मतलब है कि जिंदा हो तुम। अगर गलत हो रहा है तो उसे सुने और कुछ बोलने की हिम्मत, ठीक है? तो इनसे सीख लीजिए, खुद अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, ठीक है?